ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइज, आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं। और जैसे कि आप लोगों ने कमेंट्स में भी काफी बार पूछा है कि WWE यूनिवर्सल टाइटल और WWE वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल में से कौन ज्यादा पावरफुल है, मतलब अगर किसी दो अलग अलग सुपरस्टार के पास ये दो अलग अलग टाइटल हैं तो उन दोनों में से कौन सुपरस्टार ज्यादा पावरफुल माना जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होगी, इसे लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करें WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की। फिलहाल WWE इसे बुलाती है WWE चैंपियनशिप, लेकिन इसका जो असली नाम है वो है WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो ये टाइटल काफ़ी टाइम पहले से, शायद तब से जब हम में से ज़्यादातर लोग WWE देखते भी नहीं होंगे, लेकिन फिर एक फ्यूड हुई रैंडी ओटन वर्सेस जॉन सीना के बीच, जहां मैं आपको बता दूं कि ये दोनों टाइटल पहले अलग अलग थे। एक थी WWE चैंपियनशिप और दूसरी थी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। उसके बाद फ्यूड हुई रैंडी ओटन और जॉन सीना के बीच, जहां पर रैंडी ओटन थे WWE चैंपियन और जॉन सीना थे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। इन दोनों के बीच मैच हुआ चैंपियन वर्सेस चैंपियन का, और जो कि था TLC में। और स्टिपुलेशन ये था कि इन दोनों में से जो भी ये मैच जीतेगा उसे दोनों ही बेल्ट मिल जाएगी, और उस मैच में जीते रैंडी ओटन और वो बने सबसे पहले WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। तो इस तरह से WWE ने इन दोनों टाइटल को कंबाइन किया। लेकिन कुछ टाइम तक जो सुपरस्टार के पास भी ये टाइटल होता था वो एक कंधे पर रखता था अपनी WWE चैंपियनशिप और दूसरे कंधे पर रखता था वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। लेकिन इसके बाद WWE ने कुछ टाइम बाद जाकर इन दोनों ही टाइटल को एक ही कर दिया, और फिर हमारे सामने आई न्यू डिज़ाइन WWE चैंपियनशिप। WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप की बात करें तो इसकी कहानी ज़्यादा पुरानी नहीं है, क्योंकि पिछले ही साल समर स्लैम में जब मिक फोली और स्टेफनी मिकमैन ने ये यूनिवर्सल टाइटल को हमारे सामने लाया था, और मैच था सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर के बीच, और फिन बैलर ने इस मैच को जीतकर वो बने थे WWE के सबसे पहले यूनिवर्सल चैंपियन। अब बात करते हैं कि WWE यूनिवर्सल टाइटल और WWE वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, यानी ज़्यादा प्रेस्टीज किसके पास है। तो जैसे कि हम जानते हैं WWE ने दोनों ही ब्रांड्स यानी कि रॉ और स्मैकडाउन लाइव को अलग अलग किया हुआ है, जहां पर यूनिवर्सल टाइटल रिप्रेजेंट करता है रॉ ब्रांड को और WWE टाइटल रिप्रेजेंट करता है स्मैकडाउन लाइव ब्रांड को। तो WWE की पॉइंट ऑफ व्यू, या हम कहें WWE की नज़र में, दोनों ही चैंपियनशिप जो है वो बिल्कुल इक्वल हैं, बिल्कुल बराबर हैं। और WWE हमेशा से यही चाहेगी कि दोनों चैंपियनशिप बेल्ट को बराबर ही रखा जाए, क्योंकि अगर किसी एक चैंपियनशिप बेल्ट को बड़ा दिखाया जाएगा तो ऐसे में उस ब्रांड की जो इमेज है वो दूसरे ब्रांड से ज़्यादा हो जाएगी और वो दूसरा ब्रांड उस ब्रांड के सामने छोटा लगने लगेगा। लेकिन रेसलिंग फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिन्हें रेसलिंग की काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज है, उनकी नज़र में WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप ही हमेशा बड़ी रहेगी, क्योंकि जो WWE का ये टाइटल है ये काफ़ी इस बड़े बड़े लेजेंड के पास जा चुका है, जैसे कि रिक फ्लेयर, शॉन माइकल, इसके अलावा ट्रिपल एच, रैंडी ओटन, जॉन सीना, ब्रूनो सैमर्टिनो, काफ़ी सारे ऐसे बड़े बड़े लेजेंड हैं जिनके पास WWE का ये टाइटल गया है। हालांकि उस समय टाइटल कंबाइन नहीं था, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये टाइटल काफ़ी बड़े बड़े लेजेंड के पास गया है। लेकिन यूनिवर्सल टाइटल की बात करें तो ये टाइटल WWE में अभी आया, और जब WWE ने इस टाइटल को रिवील किया था तो इसकी काफ़ी मजाक बनी थी, स्पेशली इसके कलर के ऊपर। कोई कह रहा था WWE डीवा ईवा मरी के बालों का कलर इस टाइटल के ऊपर चढ़ा दिया गया, कोई कह रहा था कि जब ब्रॉक लेसनर ने रैंडी ओटन का खून निकाला था तो यही वो खून है जो यूनिवर्सल टाइटल के ऊपर डाला गया है। तो काफ़ी मजाक बनी थी रेसलिंग फैंस की तरफ से इस टाइटल के कलर के ऊपर, और ये टाइटल का स्पेशली कलर उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। लेकिन फिर भी देखा जाए तो यूनिवर्सल टाइटल और WWE का ये जो टाइटल है, WWE की नज़र में इन दोनों के लिए जो रिस्पेक्ट है वो इक्वल है, यानी कि ये दोनों ही टाइटल बिल्कुल बराबर हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई इसी तरह के क्वेश्चन है तो आप उन्हें कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह की WWE अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।